वेलकम बैक बच्चों। बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक मॉलिक्यूल को कि क्या कंडीशन होगी, वो कब एक्टिव होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, या कि कब उसका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का क्या मीनिंग होता है। तो अब उसके बाद हमारे पास आता है हार्मोनिक ओसिलेटर की एक हार्मोनिक ओसिलेटर क्या होता है, हम क्या किसे हार्मोनिक ओसिलेटर बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलिए, हमारे पास है हार्मोनिक ओसिलेटर। देखो, हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए हमने एक अजम्पशन माना है कि जो हमारा अजम्पशन क्या है, वो क्या अजम्पशन क्या है, ये हमारा अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर के एक हार्मोनिक ओसिलेटर एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि कब हम बोलेंगे कि इसके लिए हमने बोला हुआ है कि एक हार्मोनिक ओसिलेटर कैन हैव एनी एनर्जी वैल्यू एंड इट कैन ओसिलेट टू एनी एक्सटेंट हमने माना कि ये इन्फाइनिट तक जा सकता है, यानी कि एक वो मॉलिक्यूल था, अगर इसको टाई किया हुआ है तो दोनों साइड में इन्फाइनिट तक जा सकता है, उसकी कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है, कम ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ भी, यानी कि कंटिन्यूअस एनर्जी की वैल्यू हो सकती थी उसके। तब क्या बोला, इट कैन ओसिलेट टू एनी एक्सटेंट बट इन रियल कंडीशंस एन ओसिलेटर कैन ओसिलेट टू एनी पर्टिकुलर लिमिट एंड आफ्टर दैट इट्स बोन्स ब्रेक एंड इट इज कॉल्ड एनहार्मोनिक ओसिलेटर। उच्च क्या बोल दिया, कह रहे कि वो किसी भी एक्सटेंट तक ओसिलेट कर सकता था, लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो रियल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर क्या हुआ कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक रेंज तक क्या कर सकता है ओसिलेट, उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक। या हम बोल सकते हैं कि जो हार्मोनिक ओसिलेटर होगा कि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। अगर मैं एक हार्मोनिक ओसिलेटर को दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता हूं, कि देखो क्या हुआ कि अगर एक जैसे पेंडुलम बोल दिया, हमने एक मॉलिक्यूल को टाई कर दिया इस तरीके से, वो यहाँ पर इस साइड लेके जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, तो धीरे धीरे अगर उसके अंदर यहाँ पर अगर इसको वैक्यूम में कर दिया, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर उसके अंदर कोई फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होंगे, तो जितना वो इस साइड जाएगा उतना ही ज़्यादा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन हो गया, वाइब्रेशनल मोशन दोनों साइड ही हो गया, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, इधर से फिर इधर चला जाएगा, और ये किसके अंदर कर रहे हैं, हम इसको एक टाइप से पेंडुलम बना इन वैक्यूम के अंदर। तो यहां पर क्या होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये जा रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से कंटिन्यू होगा, इवन एक दिन के बाद, एक साल के बाद, दस साल के बाद, इसका जो रेट है जो स्लो नहीं होगी, इसको जो इसकी स्पीड है वो फिक्स रहेगी, जो इसकी यहां पर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हम हार्मोनिक ओसिलेटर के अंदर बोल देते हैं, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या बोल देते हैं कि यहां पर इसके अंदर विद टाइम इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। या हम क्या बोल सकते हैं कि हार्मोनिक ओसिलेटर के अंदर हार्मोनिक ओसिलेटर डज नॉट चेंज विद टाइम। इसकी जो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक पूरा का पूरा अपना एक जो राउंड है या जो पीरियोडिक मोशन है कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि एक सेकंड में कितनी बार कंप्लीट कर लेता है, ये चेंज नहीं हो जाती। हैव फिक्स्ड स्पीड बोल दूं या फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसका मतलब क्या, हैव फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगी। हैव फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट हैव फिक्स्ड टाइम
किसका टाइम जो होगा एक कंप्लीट करने का, एक जो पीरियोडिक मोशन को, वो फिक्स ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब एनहार्मोनिक में क्या बोल दिया, अगर वो बॉन्ड भी, अगर मोलिक्यूल था लाइक ए और बी, ए और बी, तो हम कह रहे हैं किसको हम किसी भी एक्सटेंड तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर ऐसा हुआ कि ये किसी भी लिमिट तक चला जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी, ये वाला माइनस इन्फिनिटी में, और दोनों को बिल्कुल पास ला सकता हूं, फिर एक्सटेंड और कंप्रेस ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ऐसे ऑसिलेटर को एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो हमने क्या बोला है, हार्मोनिक। तो एक्चुअली वर्ल्ड में, हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ होता ही नहीं है, ये हमने केवल अजम्पशन माना है कि अगर हार्मोनिक किसको बोलेंगे, अगर उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ वो किसी भी रेंज तक ऑसिलेट कर सकता है। अगर हार्मोनिक हुआ तो हम वैक्यूम के अंदर इसको जनरेट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में हमारे पास वैक्यूम है नहीं, हम वैक्यूम बनाए उसके अंदर हम एक स्ट्रेच या कंप्रेस कराएं तो उसकी कोई चीज यहां पर नहीं होगी। एनहार्मोनिक के केस में क्या होता है बच्चे, देखो देखो, बट इन रियल वर्ल्ड हम लिख सकते हैं कि उसको बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम एनहार्मोनिक करेंगे, तो क्या, बट इन रियल वर्ल्ड डैम्पिंग आकर्स, डैम्पिंग आकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाइब्रेशनल, वाया वाइब्रेशनल या देर इज डिक्रीज इन, हम ऐसा लिख सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच देर इज डिक्रीज इन, देर इज डिक्रीज इन वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड फाइनली इट स्टॉप्स, एंड फाइनली इट स्टॉप्स। अगर ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है कि पहले अगर एक आपने एक टाई किया यहाँ पे एक रोड को, यानी कि एक स्टोन को, फिर इसको यहाँ तक लेके इसको छोड़ दिया, तो ये पहले यहाँ तक जाएगा, फिर धीरे धीरे इसकी वाइब्रेशन यहाँ यहाँ तक हो जाएंगी, धीरे धीरे विद टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको जब ये धीरे धीरे उसकी जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वाइब्रेशनल मोशन की, जो वाइब्रेशन के अंदर वो डिक्रीज हो गई, इसी को हम बोलते हैं डैम्पिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी जनरेट हो रहा है। क्यों? एयर है वहाँ पर, वैक्यूम नहीं है। अगर वैक्यूम होता तो उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो डैम्पिंग का मतलब होता है कि जो उसका एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशनल था, मोशन था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बच्चे। अगर इसी को हम बोल देते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, या यहां पे बोल सकता था फाइनली एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इज डिक्रीज इन क्या, एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस, क्या, एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन, एंड फाइनली इट स्टॉप्स, या फाइनली इट्स बिकम जीरो, दोनों के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ऐसा हो गया, तो ये इसी को हम इस टाइप के ऑसिलेटर को बोलते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड सच ऑसिलेटर विल बिहेव एज एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये डिफरेंस है हमारे पास, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर किसको बोलते हैं और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर किसको बोलते हैं। तो अब हम यहां पर इसका एक्सप्रेशन करते हैं कि अब हमें पता है, देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इसका एनर्जी निकालते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वायरलेस फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक, देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था कि वो एक ही एटम था हमारे पास, अभी वो ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, दोनों साइड में मूव कर रहा है बच्चे, अब वो फिक्स मूव कर रहा है, यहां से यहां तक गया, फिर यहां पर, फिर वो यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, यानी कि अपनी पोजीशन से वो दोनों लेफ्ट राइट में जा रहा है। अगर उसकी वो ऐसा हो गया तो उसका मतलब वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लगे, उसका नाम हम बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या निकालते हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक, तो वे क्या आता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2π√kM। तो यहां पर क्या है, मास ऑफ ऑसिलेटर, दिस इज द मास ऑफ पार्टिकल जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट। ये आपने केवल याद रखना है, कैसे आए ये यहां पे अभी नहीं निकाल के दिखाना, बट अब अगर हम दिखा ले वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइएटोमिक मोलिक्यूल डूइंग
वाइब्रेशनल मोशन, कि जो वाइब्रेशनल मोशन है जिसके अंदर, तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम क्या दिखाएंगे, तो हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू, कि म्यू हो गया रिड्यूस्ड मास। क्या हो गया बच्चे, अब केवल डिफरेंस है देखो, जब वो एक सिंगल पार्टिकल था हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स में हम निकालते हैं यहाँ पर, तो सिंपल। और अगर वो एक डायटोमिक मोलिक्यूल था लाइक ए और बी, तो यानी कि वो यहां पर था ये मीन डिस्टेंस, तो यहां पर दोनों एक्सटेंड होकर फिर कंप्रेस, एक्सटेंड कंप्रेस, यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट या रेंज तक ही जा रहे हैं और वो फिक्स है, तो हमने बोल दिया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी चेंज होने की एक्सटेंड कंप्रेस होकर मीन पोजिशन पर, जो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था तीन, तो उसकी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 पाई अंडर रूट के बाय। अब हम जो इसकी एनर्जी देते हैं इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल मोशन के अंदर है, या एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हम एनर्जी बोलते हैं, वो हम सोल्व करते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, उससे निकालते हैं। तो देखो हम क्या निकालते हैं, तो हम जो क्या बोलते हैं, हम एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और उसकी एनर्जी उससे क्या आती है देखो, तो हम बोल सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विल गिव इट्स एनर्जी एक्सप्रेशन। तो हम एनर्जी किससे निकालते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, जब हम सोल्व करते हैं किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन T इज इक्वल्स टू यहां पर ऐसा V प्लस 1/2, और यहां पे हम लगा देते हैं एच म्यू, ऐसा ये जूल्स के अंदर बच्चे। तो यहां पे V क्या है, दिस इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, कि जैसे हमने जीरो से एक जे की वैल्यू रखी थी जूल्स के अंदर, वहां पे जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जिसको हमने बोला था रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो कह रहा है कि एनर्जी जूल के अंदर हमारे पास कैसे होगी, वी प्लस एच बाई टू एच म्यू। तो ये हमारे पास एनर्जी हो गई किसके लिए, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसकी एनर्जी आ गई यहां पर। अब हम वी की वैल्यू यहां पर क्या क्या पुट आउट कर सकते हैं, वेयर वी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू एन। लेकिन हम जो एनर्जी निकालते हैं बच्चे यहां पर, वो एनर्जी हम निकालते हैं यहां पर इसके अंदर, हम जूल्स के अंदर नहीं, हम सेंटीमीटर्स में निकालते हैं। जब हम सेंटीमीटर्स में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर ऐसा, तो डिवाइड दिस इक्वेशन, अगर इसको वन बोल दे तो हम क्या बोल सकते हैं, वी फाइंड एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एच सी। देखो एच सी से हमने क्यों डिवाइड किया, देखो बच्चे हमारे पास एनर्जी एक्सप्रेशन होता है इक्वल्स टू एच म्यू। अब क्या हुआ, ये एच म्यू क्या होगी, जूल्स के अंदर, अगर मैं इसी को, और म्यू क्या होता है मेरे पास, सी बाय लैम्डा, तो इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा, ये हो गया। तो E इक्वल्स टू, तो ये भी किस में, जूल्स में। अगर जो लैम्डा होता है ये सेंटीमीटर में, मीटर में, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग में हो सकता है, अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं एच सी से तो क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई एच सी, तो कैंसिल आउट, तो बच्चे क्या बचेगा, 1/λ। 1/λ क्या है, सेंटीमीटर था, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो ऊपर चला जाएगा क्या, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसको अगर मैंने एच सी से डिवाइड कर दिया तो जो मेरी आएगा वो क्या बचेगा, केवल 1/λ। 1/λ को मैं म्यू बार ही लिखता हूं, यानी कि वहां पर ये म्यू बार क्या होगा, वेव नंबर। तो नंबर क्या होगी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स ही होती है हमारे पास। तो अब यहां पर इस एक्सप्रेशन को बड़े ई की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस ई से, यानी कि ये दिखा रहा है कि जो मेरी एनर्जी वो सेंटीमीटर इनवर्स में है, और सेंटीमीटर जनरली वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से हमारे पास। तो ये क्या एनर्जी आ गई, दिस इज इक्वल्स टू क्या, वी प्लस 1/2 एच म्यू से एच सी से किया, तो ये म्यू बाई सी क्या हो गया। देखो अब हमें पता है एच म्यू, एच म्यू किसके को लग गया, एच म्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, ऐसा बच्चे। तो अब देखो, अब यहां पर म्यू बाई सी करना है एच म्यू, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ऐसा। तो म्यू बाई सी क्या हो गया, म्यू बाई सी इक्वल्स टू 1/λ। 1/λ क्या हो गया, म्यू बाय सी इक्वल्स टू वेव नंबर म्यू बार, इस तरीके से दिस इज इक्वल्स टू वेव नंबर, ये वेव नंबर हो गया, वेव नंबर। तो बुक
इसके अंदर क्या हो गया बच्चे, इसको म्यू बार लिखो इधर, या क्या लिखते हैं एनर्जी क्या होगी, वी प्लस वन बाय टू म्यू बार, या आपकी बुक में इसी को लिखा जाता है वी प्लस वन बाय टू ओमेगा ई, ऐसा ओमेगा ई लिख देते हैं। ये दोनों सेम ही है यहां पर, म्यू बार इक्वल्स टू ओमेगा ई ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है, अलग अलग बुक में अलग अलग हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसका। तो ये वेव नंबर ही है, जो एनर्जी यहां पर क्या है सेंटीमीटर में, तो जैसे ओमेगा ई तो मैं ओमेगा ही यूज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे अब एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब ये किस में है सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों सेम है, डिवाइड में नहीं है, ये और है या और, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम म्यू बार लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में ओमेगा ई लिखा, तो ये क्या है इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं इसको। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन हो गया। अब हम जब एनर्जी निकालते, देखो एनर्जी क्या हो गया, अब हम एनर्जी निकालें तो अगर वी की वैल्यू जीरो पुटअप कर दो, जब जीरो पुटअप करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बना के। जब हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ऐसा दिखाते हैं क्या हुआ, अगर हमने इसमें V की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी, V की वैल्यू जीरो, जब जीरो पुटअप करेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखो अब ये ओमेगा E या ये ऐसा लिख दिया, या अगर हम सेंटीमीटर इन्वर्स में लिखते इसको, सेंटीमीटर इन्वर्स में मेरे पास सॉरी जूल्स में लिखते तो क्या आंसर आता, V प्लस वन बाई टू एच म्यू, तो ये ओमेगा E इक्वल्स टू एच म्यू है, ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही था हमारे पास, ओमेगा E को आप एच म्यू लिख सकते हो ऐसा, क्यों ओमेगा ई को आपने क्या लिखा था बच्चे अभी, ओमेगा ई किसको लिखा था आपने यहां पर, इस म्यू बाय सी को लिखा था। अगर इसी को मैं वापिस से एच सी से डिवाइड कर दूं, एच सी से मल्टीप्लाई, देखो क्या किया था आपने, इस जूल्स को सेंटीमीटर इन्वर्स में करने के लिए एच सी से डिवाइड किया था, अगर आप इसी को एच सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये एच म्यू आ जाएगा जूल्स के अंदर, क्योंकि जब इसको एच सी से डिवाइड किया तो आपके पास ओमेगा ही आ गया, अगर इसी को आप किस में मल्टीप्लाई कर दो, एच सी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास जब आप एनर्जी वी इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो जीरो प्लस वन बाय टू ओमेगा ई, तो ये क्या हो गया एनर्जी कितनी हो जाएगी वन बाय टू ओमेगा ई, या आप लिख सकते हो और वन बाय टू एच म्यू, एच म्यू लिखते हो तो ये जूल्स के अंदर एनर्जी है, और ऐसा लिखते हो तो ये किसमें है सेंटीमीटर इनवर्स में। फिर वी इक्वल्स टू वन के लिए जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, वन रखोगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय टू ओमेगा ई ऐसा, या थ्री बाय टू एच म्यू, फिर कितना आ जाएगा टू रखोगे तो 5 by 2 ओमेगा ई, ये क्या हो गया 7 by 2 ओमेगा ई, तो v equals to 2, v equals to 3, ये अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए देखो एनर्जी इंक्रीज। लेकिन जब आप डिफरेंस देखते हो, देखो जब जीरो था तो उसकी एनर्जी कितनी थी 1 by 2 ओमेगा ई और 1 by 2 एच म्यू, यानी कि जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जीरो था यहां पर तब भी इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी थी, इसको हम बोल देते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, दिस इज द जीरो पॉइंट एनर्जी, दिस इज द जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ए मोलिक्यूल व्हेन द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू वन बाय टू ओमेगा ई, या वन बाय टू यो म्यू बार, और या वन बाय टू एच म्यू। तो यहां से एक चीज, एक कंसेप्ट आपको समझना है बच्चे, कि हमारे पास जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, इसका मतलब क्या हुआ कि मोलिक्यूल ऑलवेज वाइब्रेशनल मोशन करेगा ही करेगा, वो उसका वाइब्रेशनल मोशन कभी स्टॉप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो जीरो वाइब्रेशनल लेवल है तब भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी। इसलिए जो हमने एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, ऐसा अभी बनाया था वी करके, तो हम ऐसा बनाते हैं कि उसको हम जीरो नहीं दिखाएंगे, कि ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, तो जीरो पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी वो बिल्कुल यहां पे नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू वन, ये वन एनर्जी लेवल ये यहां पर ऐसा, तो इसकी जब ये जीरो होगा तब भी कुछ ना कुछ यहां पे उसकी अगर मैं एनर्जी बनाता हूं तो एनर्जी होगी, जिसको हम बोलेंगे यहां पे जीरो पॉइंट एनर्जी, ये इस तरीके से एनर्जी जब लिखा था हम लोगों ने। तो अभी हम लिख सकते हैं क्या, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यहीं से हमें पता चलता है, वो क्या बोलता है कि जब मैं एब्सोल्यूट जीरो पे जाता हूं तो भी हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ हमारी एंट्रोपी बच जाती है, एंट्रोपी जीरो नहीं होती। तो देखो थर्ड लॉ ने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स उसने बोला था कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन के ऊपर भी हमारी जो एंट्रोपी होती है वो जीरो नहीं होती, या लिख सकते हैं, या क्या बोल दिया जिसने कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एट जीरो केल्विन एंट्रोपी शुड बी जीरो, एंट्रोपी शुड बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी जीरो होनी चाहिए, एंट्रोपी शुड बी जीरो, बट एक्चुअली some residual entropy exist
एंट्रोपी एग्जिस्ट, उसने बोला कि कुछ ना कुछ एंट्रोपी रह जाती है, और वो क्यों रह जाती है, एंड इट इज ड्यू टू, एंड इट मे बी ड्यू टू क्या, दिस वाइब्रेशनल मोशंस। अरे उसकी एंट्रोपी का मतलब था कि कोई मूवमेंट या डिसऑर्डर ना हो, लेकिन क्या हुआ कि इवन एट जीरो केल्विन, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस वाइब्रेशनल मोशन के ऊपर कोई टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं आया, तो केवल क्या बोला, हम बोल सकते हैं क्या कि इवन एट एब्सोल्यूट, इवन एट जीरो केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल देते हैं, देयर एग्जिस्ट वाइब्रेशनल मोशन। कि अगर कोई गैस है हमारे पास तो उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होंगे ही होंगे बच्चे, जीरो केल्विन। तो इसलिए जो थर्ड लॉ बोलता था कि जीरो केल्विन पे एंट्रोपी जीरो होनी चाहिए, बट एक्चुअली वहां पे कुछ रेसिडुअल एंट्रोपी बच जाती है जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, वो क्यों होगी, उसका रीजन हो सकता है वाइब्रेशनल मोशन की वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या हुआ देखो, एक तो ये कंसेप्शन में आया कि थर्ड लॉ ने क्या बोला था उसका ही, दूसरा क्या है जो इनका एनर्जी डिफरेंस है बच्चे, वो ऑलवेज क्या है 1/2 ओमेगा ई माइनस में, तो ये क्या है ओमेगा ई, या इक्वल्स टू दिस इज एच म्यू, फिर यहां से 3π/2 - 3/2 ओमेगा, तो ये फिर ओमेगा बार ओमेगा ई आ गया, सॉरी ऐसा बार नहीं, ओमेगा ई लिख रहे तो ओमेगा ई, दिस इक्वल्स टू एच म्यू, फिर आ गया, फिर ऊपर से इससे v equals to 3 से 2 पे जाऊंगा तो फिर ओमेगा t which is equals to h mu, दोनों के दोनों को आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि जो इसके एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि जो अब स्पेक्ट्रा देखेंगे तो इसके स्पेक्ट्रा के अंदर जो हमें पीक्स मिलेंगी बच्चे, वो पीक्स क्या होंगी इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगी ऐसे, अब वो कितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, ये ओमेगा ई का डिस्टेंस ओमेगा ई, फिर कितना ओमेगा ई, फिर कितना ओमेगा ई के डिस्टेंस पे मिलेगी। अब क्या हुआ अगर हम ध्यान से देखें तो इससे जो एनर्जी निकली तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, दिस इज हम बोल सकते हैं दीज आर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, दीज आर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, यानी कि यहां बोल सकते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, और हम क्या बोल सकते हैं जो वाइब्रेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्यों बोला, क्योंकि जो मेरा एक मॉलिक्यूल है देखो, जब वो जीरो वाइब्रेशन लेवल तो उसकी एनर्जी 1/2 ओमेगा थी, अब या तो उसकी 1/2 हो सकती है या 3/2 या 5/2 या 7/2, इसके बीच में उसकी एनर्जी से वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, उसकी पर्टिकुलर वाइब्रेशन अगर उसको इतनी वाइब्रेशन से करेगा, जीरो जब वो कुछ है ही नहीं तो इतना वाइब्रेशन कर रहा होगा, अगर उसके बाद हम उसको कुछ एनर्जी देना चाहें तो हम इसको इतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, वो एच म्यू बाई टू नहीं करेगा या ओमेगा ई बाई टू नहीं करके, यहाँ पे नहीं, वो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके 3/2 ओमेगा ई वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में, जहाँ पे इसका जो वाइब फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो उससे ज़्यादा पे जा सकते, इसका मतलब हर एनर्जी लेवल की क्या है जो एनर्जी वो फिक्स हो गई है, और अगर एनर्जी फिक्स हो जाती है तो हम बोल देते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, तो यहां बोल सकते हैं या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हो गए, क्योंकि सभी एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या हो गई फिक्स हो गई, और जो डेल्टा ई है इन सभी के बीच में वो कितना था भी, डेल्टा ई होगा वो कितना होगा ओमेगा ई, और दिस इज इक्वल्स टू एच म्यू, कि वो इतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, अगर वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो इतनी ही एनर्जी को क्या करेगा एमिट करेगा, यानी कि वो रिलीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है अपॉन अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इट विल ए मॉलिक्यूल विल गो इन हायर एनर्जी लेवल, और अपॉन रिलीज ऑफ एनर्जी इट विल गो इन लोअर एनर्जी लेवल। अब हम इसका क्या बनाएं, अगर हम इसका देखते हैं कि हम ये डेल्टा ई आ गया है ओमेगा ई और एच में, तो अब हम इसका अगर डायग्राम बनाना चाहे तो हम कैसा बनाएंगे इसका, देखो हम ऐसा बना सकते हैं बच्चे, ये इसका सिलेक्शन रूल देखते हैं कि सिलेक्शन रूल कैसा है, कब मेरा मॉलिक्यूल क्या वो जीरो से टू में जा सकता है या थ्री में जा सकता है, ये देखते हैं अब सिलेक्शन रूल फॉर हार्मोनिक ओसिलेटर, क्या बनाया हम लोगों ने, ऐसा डायग्राम बनाया था बच्चे की नहीं करें तो ये क्या हो गया v equals to 0, तो कह रहा कि ये v equals to क्या हो गया 1, v equals to 2, v equals to 3, v equals to 4, इस तरीके से ये ऐसे ही जाएगा, तो कह रहा कि ऑलवेज जो यहां पर जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है डेल्टा v equals to ±1, कह रहा कि अगर वो एक प्लस एक हायर में जाए एक लोअर में तो अलाउड है, अदरवाइज वो जो ट्रांजिशन होगी वो अलाउड नहीं होगी, इसकी एनर्जी कितनी थी 1/2 ओमेगा, ऐसा 1/2 ओमेगा ई,
ये कितना था 3/2 ओमेगा ई, 5/2 ओमेगा ई। अगर हम देखें तो ये V0 से V1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 3 से 4 में जा सकता है, ऐसा जा सकता है। लेकिन हम बोलें कि 2 से 4 में चला जाएगा तो नहीं जाएगा, या 0 से 2 में जाएगा तो नहीं जाएगा, या 1 से 3 में जाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब ऐसा जा रहा है तो जो डेल्टा वी है वो प्लस माइनस 1 नहीं है। अगर ये डेल्टा वी इज नॉट इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस 1 होगा तो ये नॉट अलाउड, कि नॉट अलाउड कि ट्रांजिशन नहीं होगी। अगर हम चाहें कि देखो इसको ओमेगा जो डिफरेंस था वो कितना था एच म्यू का, या ओमेगा ई का डिफरेंस था, फिर यहां से यहां का डिफरेंस कितना है ओमेगा ई। तो अगर हम देखें कि हमारे पास 1/2 ओमेगा ई एनर्जी है, अगर उसमें मैं 2 ओमेगा ई ऐड कर दूं तो ये कितना बनेगा 5/2 ओमेगा। इसका मतलब क्या था, यहां पर वो कौन सा एनर्जी वी इक्वल टू 0 में था, और जब ये 2 ओमेगा ई ऐड करवा दे इसी के अंदर, 2 का मतलब कि पहले एक ओमेगा ई, इकट्ठा 2 ओमेगा ई का डिफरेंस दे दूं तो 5/2। इसका मतलब 5/2 एनर्जी लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है में। तो अरे ये 5/2 एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये यहां से यहां तक इसका मतलब वो डायरेक्ट चला गया, तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो ये ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर उसकी 1/2 ओमेगा तो पहले वो ओमेगा ई एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, वो क्या बनेगा 3/2 ओमेगा ई, फिर वो ओमेगा ई एनर्जी अब्जॉर्ब करके फिर क्या चला जाएगा 5/2 ओमेगा ई। इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि पहले वी इक्वल्स टू 0 से वो किस में चला गया वी इक्वल्स टू 1 में, और फिर वी इक्वल्स टू 1 में प्लस करके Equals to 2 में गया। इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट यहीं जा सकता है बच्चे, उतनी ही एनर्जी करके, एनर्जी तो अभी भी उतनी है, यहां पर भी इतनी है, लेकिन यहां पर वो एक एक लेवल पे ही जंप करके जा सकता है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो ऐसे एक एक लेवल से करके जा सकता है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा सकता बच्चे। तो ये सिलेक्शन रूल है किसके लिए, हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए। ऐसा ही हमारे पास जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, वहां पर भी डेल्टा जे की वैल्यू कैसी थी, प्लस माइनस 1 थी। तो ये था हमारे पास हार्मोनिक ओसिलेटर। इसके बाद हमारे पास आता है एनहार्मोनिक ओसिलेटर।